दूसरा संकट इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा एक साल पहले हर तीन चार महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी, यही कहते रहे। देश में सुना है और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने का करके दिखाएंगे। हर तीन महीने के बाद वो एक काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो एक साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। संकट आते हैं लेकिन किसी संकट के समय नेतृत्व दिशाहीन हो, असहाय हो, निराश हो, तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। 125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। दिल्ली के तख्त पर से, दिल्ली के शहंशाहों की तरफ से आशा जगे, विश्वास पैदा हो, टूटा हुआ भरोसा फिर से पुनः प्रस्थापित हो, न ऐसी कोई सोच दिखाई देती है, न ऐसे कोई कदम दिखाई देते हैं और न ही कोई कार्य योजना दिखाई जाती है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो उसी में वो डूबे हुए हैं और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे और तब जाकर के देश को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो, गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती हैं। उसको भी रोकने में दिल्ली की सरकार पूरी तरह विफल गई है। पिछले 5 साल से लगातार हम सुनते आए हैं कि बस 3 महीने में महंगाई कम होगी, 3 महीने में महंगाई कम होगी। पिछले 5 साल में 100 बार दिल्ली के किसी न किसी राष्ट्रीय स्तर के सरकार के नेताओं ने देश को आश्वासन दिया, महंगाई भी रोक नहीं पाए। यानी कोई ऐसा क्षेत्र ऐसा हो जिसमें कोई विश्वास से कह सके कि उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। और तब जाकर के कल्पना के बाहर का बहुत बड़ा संकट आज देश के सामने खड़ा हुआ है।